नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कभी ये मुंह से ढाई ढाई करती है तो कभी इसके कुछ अफसर विभाग की किरकिरी करते देखे जाते हैं। लेकिन अगर कस्टोडियल डेथ की बात की जाए तो इसमें यूपी को अव्वल दर्जा प्राप्त है। एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ ही जाते हैं जिसके बाद खाकी को अपना सिर झुकाना पड़ जाता है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में हुई मौतों के आंकड़ों से रूबरू करवाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वो मौतें जो उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में हुई, वो मौतें जिन्होंने पुलिस की वर्दी पर तमाम सवाल खड़े किए, आज ऐसे ही मौतों के आंकड़ों की तस्वीरों से आपको अवगत कराते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2020 से 2021 तक 451 डेथ हुई हैं, वहीं 2021 से 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 501 पहुंच गया। और इन्हीं आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश की कस्टडी में हुई मौतों ने पहला स्थान पा लिया। इन आंकड़ों से ही आकलन लगाया जा सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कस्टडी की कार्यशैली कैसी है। उत्तर प्रदेश की कस्टडी में सबसे पहले 12 दिसंबर की रात पुलिस बर्बरता के शिकार हुए सरैया लालपुर के व्यापारी बलवंत सिंह की मौत हुई। तब बलवंत की पत्नी ने कहा था, पुलिस ने मेरे पति को बेरहमी से पीटा, उससे उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मेरे पति की उस घटना में मौत हुई है, वैसे ही सजा पीटने वाले को मिलनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खून के बदले खून चाहिए। वहीं कासगंज में 8 नवंबर 2021 को 21 साल का अल्ताफ एक मकान में टाइल लगाने का काम कर रहा था, वहां से एक लड़की लापता हो गई। लड़की के परिवार वालों ने आरोप अल्ताफ पर लगाया। पुलिस पूछताछ के लिए उसे थाने ले गई। 9 नवंबर की शाम खबर आई, अल्ताफ नहीं रहा। वहीं 21 मई 2021 कोरोना पीक पर था, कई पाबंदियां थी, 3 बजे के बाद सामान बेच नहीं सकते थे। 18 साल का फैजल 4 बजे बांगरमऊ के एक लोकल मार्केट में सब्जी बेच रहा था, उसी दिन शाम को उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने कहा, उसे 3 बजे के बाद सब्जी बेचते देख 2 पुलिस वाले बाइक पर बैठाकर थाने ले गए। वहां उसे इतना मारा कि उसकी हालत और बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती करवाया, वहां उसकी मौत हो गई। ये तो महज पुलिस की हिरासत में हुई मौतों के आंकड़ों से एक छोटा सा हिस्सा है। और भी कई तस्वीरें और कहानियां हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। यूं तो यूपी का नाम आपने कई उपलब्धियों में सुना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जो कि नंबर वन है। और नंबर वन किस में? कस्टोडियल डेथ में। पिछले 2 सालों में तकरीबन 952 मौतें हुई और कस्टोडियल डेथ हुई, जिसमें कभी यूपी पुलिस ने बहाना बनाया कि 2 फीट लंबी टोटी से कैदी की मौत हो गई, तो कहीं बहाना बनाया कि उसकी बीमार होने के कारण मौत हो गई, तो कहीं बहाना ये भी बनाया कि उसकी मौत अचानक हो गई। लेकिन 24 जख्मी थे बलवंत सिंह पे, जो कि हालांकि हाल ही में दिसंबर में कानपुर से उठाया गया था। और तमाम ऐसे मामले हैं जो यूपी पुलिस के छवि को दागदार करते रहते हैं और उसकी छवि को धूमिल करते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कितने प्रतिशत लोग यूपी पुलिस की कस्टडी में मारे गए और कितने लोगों की वहां पे जान गई और कितने परिवार ने उन पे आरोप लगाया। उसके बावजूद भी अभी तक यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है, परंतु जाँच का विषय बनकर रह गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से लेकर 2020 तक पुलिस कस्टडी में 1888 मौतों में 893 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 358 मुकदमों में जांच के दौरान आरोप पत्र दाखिल हुए। इन सब मुकदमों में सिर्फ 26 पुलिस वालों को बाद में सजा हुई। आंकड़ों के हिसाब से पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे तो दर्ज हुए, लेकिन न्याय की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने दम तोड़ दिया। इसके तमाम कारण सामने आते हैं। पहला कारण, पुलिस के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे की जांच पुलिस वाला ही करता है। ऐसे में ये उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए कि जांच करने वाला पुलिस अधिकारी अपने साथी और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सही जांच और साक्ष्य पेश करेगा। पुलिस कस्टडी में मौत के मामलों में पीड़ित अक्सर ही गरीब तबके से आते हैं, जिन पर दबाव बनाकर या पैसा देकर आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा समझौता कर लिया जाता है। बाद में पीड़ित का गरीब परिवार अदालत के चक्कर और कागजी कार्रवाई में
सालों तक होने वाले खर्च और समस्या को देखते हुए अदालत में अपने बयानों से पलट जाता है। इन्हीं मौतों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पुलिस थानों में CCTV लगाए जाए ताकि पुलिस कस्टडी में मौत जैसे संवेदनशील मामलों में थाने की पुलिस की कार्यशैली पर नजर रखी जा सके। इस निर्देश का उत्तर प्रदेश में अभी तक कड़ाई से पालन नहीं हो पाया है। पुलिस कस्टडी में मौत के दौरान हो रही कई जांचों में जब CCTV की बात हुई तो स्थानीय पुलिस द्वारा जवाब आया कि या तो CCTV नहीं लगे हैं या फिर जो लगे हैं वे खराब हैं। हर साल कस्टडी में हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार आंकड़े पेश करती है, लेकिन न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन के क्रम में क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर बहुत कुछ सामने निकल कर नहीं आता है। वैसे तो यूपी पुलिस में तमाम काबिल अफसर हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं जिनके कारण यूपी पुलिस का नाम हमेशा से ऊंचाइयों में रहा है, लेकिन फर्जी इनकाउंटर से लेकर फर्जी मौतों पर यूपी पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रही है। चाहे वो गोरखपुर में होटल में घुस के व्यापारियों को उठाना, चाहे वो कानपुर के बलवंत को उठाना, चाहे हमीरपुर में उठाना, चाहे तमाम जगह पर ऐसे लगातार तमाम चेहरे यूपी पुलिस के दिखते रहते हैं, सब सामने आते रहते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि तमाम जो यूपी के CM हैं, CM योगी दावे करते हैं, तमाम जो यूपी के DGP हैं, DS चौहान दावे करते हैं, तमाम जो उनके माथा तहत वो दावे करते हैं कि यूपी पुलिस आपकी सुरक्षा में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े लगातार दिनों दिन बढ़ते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि यूपी पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रही है और कहीं ना कहीं जो उनके माथत हैं अपने उच्च अधिकारियों की जो मंशा है, जो उनके कार्यशैली, उनको हमेशा से डुबाने में लगे रहते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, Prime TV लखनऊ। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए Prime TV के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।